सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ पश्चात श्री श्री भक्ति वेदांत श्री लाव नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जो प्रणाम करता हूँ हरे कृष्णा हाँ हरे कृष्णा किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया है उनका प्रश्न है भक्त लोगों का विचार कैसे है जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं बात मत चुप जो लोग भगवान को भक्ति भजन करते हैं उन लोगों का विचार कैसे है उनका विचार कैसे होनी चाहिए तो प्रभुपाद उसको विचार देते हैं जितनी प्रकृति भक्त सेवक तिनी सुख दुख सुविधा असुविधा कौन अवस्था थे विचलित ना हो काय मन भगवत सेवा करें कर जो वास्तव रूप में भगवान की सेवा करते हैं भगवान की सेवा करते हैं सुख हो दुख हो सुविधा हो असुविधा हो किसी अवस्था में वो विचलित नहीं होते हैं विचलित नहीं हो करके सब अवस्था में अपना काय मन वाक्य के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं इसलिए हम लोग बोलते हैं ना ठाकुर की इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है इसलिए भक्तों का जो विचार है हैं भगवान भले ही हमें सुख में रखे दुख में रखे किसी अवस्था में क्यों नहीं रखे हर अवस्था में ये क्या करते हैं भगवान की भक्ति करते हैं इसलिए राधा रानी का विचार किया है कथ असली सबम पादरतां विनष्टुमाददर्शनम महत्करतुवा जथा तथा वा बिधातु लंपटमत प्राणनाथस्तु साएव नपर राधा रानी का विचार राधा रानी कह रही हैं भले ही कृष्ण मेरे को अपना प्यार को नीचे रोंद दे हैं भले ही जीवन में हमें जो कुछ दुख कष्ट देना वो दे लेकिन जो कृष्ण हैं वो कौन है वो हमारे प्राण प्यारे हैं, वो हमारे है। जीवन का सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण चंद्र। इसलिए नियम है हर समय में उनकी इच्छा में हमें इच्छा मिला देनी चाहिए है कितना जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो राधा रमयण राधारमण राधारमण कहो इसलिए शास्त्र बताए हैं बताते हैं अलब्धे वे भले ही कुछ मिले भले ही कुछ नहीं मिले भक् आच्छादन साधने भले ही कुछ भोजन मिले नहीं मिले भक्त क्या करते हैं अकली अभिक्लेव मतृुक्ता धिया में व हरिस्मरण हर समय उनका जो बुद्धि स्थिर रहता है हर समय वो भगवान की भजन करते हैं बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम। राम, राम हरे हर। एक स्टोरी एक सुन लो बोले एक समय कुछ संत लोग नाव में बैठ करके पार हो रहे थे नदी पार हो रहे थे नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी अब बीच दरिया में जब नाव पहुंच गया ना इतने में आंधी तूफान आ गया आंधी तूफान आया तो पानी छलक छलक करके नाव में गिर रहा था उसमें के साधु ने क्या किया एक जग ले करके बैसे तो पानी छलक छलक कर नाव में गिर रहा था वो और भी जग में लेकर पानी डालने लग गया लोग बोले क्या तू पागल हो बई नाव डूबने जा रहा है बीच दरिया में नाव वे छलक छलक के पानी गिर रहा है तो फिर पानी की क्यों डाल रहे हो बोले भगवान का इच्छा में मैं इच्छा मिला रहा हूँ बोले भगवान की इच्छा इस समय पानी निकालनी चाहिए निकालनी चाहिए तो पानी भर रहे क्यों वो तो डूब तो जाएगा बोले भगवान की इच्छा से इच्छा मिला रहा हूँ बोले इच्छा में इच्छा मिला रहे मतलब क्या है लेकिन और जब थोड़ी दूर गए ना आंधी तूफान कम हो गया जब कम हो गया फिर उसने नाव से पानी निकालने बाहर लग गया बोले देखो इससे पागल दुनिया में मिलेगा जब जरूरत था निकालने का तो भर रहा था अभी भरने का जब जरूरत तो निकाल रहे हैं तो तू क्या कर रहे हो ठाकुर तो तो जी की इच्छा से इच्छा मिला रहा हो बोले मतलब हम कहते हैं ना उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। जो आंधी तूफान आई किसकी इच्छा से आई ठाकुर की इच्छा से क्योंकि उसको इच्छा के तो बगैर तो कुछ होता नहीं ना आंधी तूफान भी उसकी इच्छा से आई उसकी इच्छा बगैर कुछ होता ही नहीं मैंने देखा जब उसकी इच्छा से आंधी तूफान आई और पानी छलक कर गिर रहा था मतलब उसकी इच्छा ही है इसलिए मैंने पानी भर रहा था उसको जो इच्छा हो ठीक है इच्छा में लेकिन थोड़ी दूरी जाकर क्या हुआ पानी आंधी तूफान बंद हो गया किसकी इच्छा से बंद हुई उसकी इच्छा से जो उसकी इच्छा से बंद हो गया मतलब नाव डूबने वाला नहीं है इसलिए मैं पानी बाहर निकाल इसलिए यहाँ पर कहते हैं उसकी इच्छा में ना इच्छा मिला देने पर क्या होता है उसको जो इच्छा में फिर तो जीव क्या होता है उसको मन में शांति मिलता भैया भगवान की इच्छा अगर कुछ होता नहीं उसकी जो इच्छा होगा कहते ये भक्तों की जो भावना है क्या भावना है कहते हर अवस्था में सुखी सुविधा हो नहीं तो असुविधा हो वो हर अवस्था में क्या करते हैं भगवान काय मन वाक्य के द्वारा भगवान की सेवा ही करते हैं भगवान की भक्ति करते हैं भक्त सतत सेवाते अवस्थित था भक्त लोग क्या करते हैं हर समय भगवान की सेवा में लगे रहते जी, मैं तो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं जानता हूँ अच्छा बुरा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ हमारी जो कर्तव्य है तुम्हारी सेवा करना ही हमारी कर्तव्य है। भक्तर विचार आमी, भगवत सेवक सेवाई अमार जीवन सेवाई अमार कार्य एत व्यतीत जा के जो स्वाभा मृत्यु बा संसार कहते भक्त का जो भावना है कहते हम कौन है कहते ईश्वर अंश जीव अविनाश जो हर जीव है हम ईश्वर का अंश है इसलिए हनुमान जी भगवान राम से क्या कहते हैं मैं सेवक रघुपति पति मोरे ये भाव ना जाए कभी भाव भोरे मतलब मैं सेवक हूँ और राम मेरे सेव्य है इसलिए मैं सेवक रघुपति पति मोरे राम कौन है मेरे पति कहते हे प्रभु जैसा हर समय मेरे हृदय में यही चीज रहे हर समय तुम्हारी सेवा करना ही मेरा धर्म है इसलिए जो भक्त है कहते भगवत सेवाई से हमारे जीवन सेवाई हमारे कार्य हमारे काम किया ठाकुर का सेवाई करना हमारा काम है बोले एत व्यतीत जाके जो सब मृत्यु व संसार बोले इसको छोड़ करके जितना संसार में सब मृत्यु है और सब संसार में नस्वर है केवल तो एक वस्तु सत्य है ठाकुर जी हमारी प्रभु हम इनके सेवक उनकी सेवा भक्ति करना हमारी यही भक्त का एक भावना भक्त की यही एक भावना है बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम। और एक बार बोलो जा रे खुष्ण, रे खुष्ण, 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 खुष्ण। मैं जा कर पर कथा कर रहा था पलट गया ठीक है और एक और। प्रश्न हरे कृष्णा हा, हाँ और एक हाँ किसने प्रभुपाद से प्रश्न किया हम्म क्या प्रश्न किया प्रश्न है परीक्षा जिनीष्टा की दया जैसे कभी कभी भगवान हमें परीक्षा जैसे हम भजन कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं कभी कभी भगवान हमें परीक्षा भी कर लेते हैं कभी कभी भगवान हमें भक्ति कर रहे हैं कभी कभी भगवान परीक्षा करते हैं कहते ये परीक्षा ये जो भगवान करते हैं कभी कभी भक्ति करते समय ये क्या दया है ना क्या है देखो कितना बड़े अच्छे उत्तर प्रभुपात कितने बड़ी अच्छे उत्तर देते हैं तो प्रभुपात कहते देखो देखो छात्रगण के उन्नत श्रेणी से नीचावार जन शिक्षकगण कृपा करे परीक्षा व्यवस्था करे स्कूल में पढ़ाई किया कि नहीं पढ़ाई किया स्कूल में सब पढ़े हो कुछ कुछ ना कुछ पढ़े स्कूल में परीक्षा क्यों होता है इसलिए परीक्षा होता है एक बच्चे को जैसे क्लास वन में पढ़ता है जब क्लास में टू में जाता है परीक्षा होता है ना परीक्षा हुआ तब तो, तो क्लास टू में जाएगा ना परीक्षा अगर थोड़ी ऊपर क्लास में जा सकता है इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं कभी कभी भगवान भी हमारा परीक्षा लेते हैं ये कितने पानी में है इस? अभी अभी इसका इसका भक्ति भक्ति तक है हैं इसकी भक्ति कहाँ तक है इसलिए भगवान कभी कभी भक्ति करते समय कभी कभी हमारे मन में ये होता है हम तो बहुत बड़ा भगवान की भक्त है हम तो भगवान की बहुत बड़े भक्त है, तो है। इसलिए कभी कभी ठाकुर जी परीक्षा करते हुए दिख दिख दिखाते हैं कितने ये सचमुच से कितना भजन किया है इसलिए कभी कभी जीवन में भगवान क्या करते हमारी परीक्षा ले लेते ले हैं लेकिन इसलिए यहाँ प्रभुपत कहते हैं जैसे स्कूल में शिक्षक लोग परीक्षा लेते हैं और ये परीक्षा को लेकर के परीक्षा की व्यवस्था इसीलिए एक बच्चे को और उच्च क्लास में ले जाने के लिए ही ये परीक्षा है मनोजोगी बुद्धिमान छात्र पक्षे परीक्षा आनंद प्रद पाठे पाठ छात्र ही परीक्षा देखे भी तो दुखीता है देखो कितना अच्छी बात कह रहे आप लोग पढ़ाई किए हो स्कूल में कौन कौन पढ़े हो कौन कौन पढ़े हो सब पढ़े हो सब स्कूल में पढ़े हो हाँ देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात कहते हैं प्रभुपात क्या सुंदर उत्तर देते हैं प्रभुपाद कहते हैं आप देखना कुछ हो, स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाई जो एक बार सुनते के याद कर जाता है उनको पढ़ाई इतने उनको अच्छा लगता है जीवन में सबसे बढ़िया लगता है उसको पढ़ाई अच्छा लगता है क्यों बढ़िया पढ़ाई लिखाई है और अच्छा पढ़ने पर टीचर बहावा देते हैं वाह क्या तुमने आंसर दिया क्या ए तुमने इतने मार्क लाए लाए नाइन्ट के ऊपर तुमने मार्क लाए हो नाइनटी फाइव इतना मार्क तुमने लाए बच्चा कितना खुश होता है लेकिन कुछ बच्चा होता है भले आलस है पढ़ाई में इसकी पढ़ाई पढ़ाई मन नहीं लगता है एकदम डल बच्चा होता है वो क्या करता है पढ़ाई से डरता है डरता है कि नहीं अरे पढ़ाई होगा पेपर होगा अगर फेल हो जाएगा तो क्या होगा पढ़ने के लिए डरते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में जाने के लिए डरते हैं इसलिए डरते हैं कुछ बहाना बना देते हैं आज हम नहीं जाएंगे हमारे ये हो गया कौन जो फेल बच्चा जो पढ़ाई में जो मन नहीं लगाता लेकिन जो पढ़ाई में मन लगाता है ना वो बच्चा पेपर सुनकर बड़ा खुश होता है पेपर होगा इतना बढ़िया मार्ग लाऊंगा हाँ क्लास में हमारी बड़ी बाहवा होगी इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं प्रभुपाद कह रहे हैं जो स्टूडेंट मन जोगी दे करके जो बड़ा बुद्धिमान है वो पेपर का सुन करके आनंद होता है परीक्षा को सुनकर आनंद होता है लेकिन जो अमन योग्य दे करके जो मन नहीं लगा कर जो पढ़ाई नहीं करता है वो सुन करके डरता है दुखी हो जाता है अरे पेपर होगा पहले हो, हो जाऊंगा तो क्या होगा नहीं होगा इसलिए कहते प्रभुपाद कहते उसी तरह जो जो भगवान की शुद्ध भक्त है ना वो किसी अवस्था में मन को विचलित नहीं करता है। किसी अवस्था को मन को विचलित नहीं करता है हर अवस्था में भगवान की भजन करता रहता है क्योंकि पक्का भक्त है ना पक्का भक्त है ना इसलिए जैसे प्र, प्रहलाद के ऊपर में श्री हरिदास ठाकुर तो ऊपर में पिटाई हुई मार हुई लेकिन होने पर भी वो भक्ति क्या छोड़ दिए बल्कि जितने पिटाई हो रहा था उतने जोर जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे प्रहलाद गोबर में क्या कर, कर रहे थे अस्त्र शस्त्र लेकर के भाला को भूस रहे है उसको पर अस्त्र शस्त्र किंतु वो क्या कर रहा है वो संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में शरणागत है जाके के साइया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जो इसलिए कहते तो उनको कुछ नहीं हुआ बोले क्यों नहीं हुआ बोले कारण है भगवान जैसे के माँ होता है ना बच्चों को जैसे गोद में रखता है भगवान उस तरह भक्तों को अपना गोद में भर कर रखते हैं इसलिए भगवान उसको अपना गोद में बैठा रखे थे इसलिए जितने भाला अस्त्र शस्त्र प्रहार किया किसको शरीर में लगा भक्तों को नहीं भगवान के ऊपर में सारे ठाकुर जी ले लिया भगवान तो सचिदानंद स्वरूप आप बोले भगवान कष्ट नहीं हुआ लेकिन भगवान इससे अतीत भगवान इससे ऊपर भगवान भगवान के ऊपर थोड़ी कुछ चीजें लगती है इसलिए यहाँ पर कहते जारा भोगेर कथा प्रचार करें लोकर रुचि अनुकूल कथा बोलेन तादे कौन विपद असुविधा बा बाधा जो लोग भोग की कथा प्रचार करते हैं लोग जैसे चाहते हैं हाँ उसकी अनुकूल की बात करते हैं तादरे विपद असुविधा व बाधा नहीं किंतु भगवानेर सेवार कथा आत्मार नित्य वृत्ति कथा जीवेर जीवन सर्वस्व भक्ति कथा बोलते गले प्रति पद प्रति विपद है देखो कहते दो तरह के भक्त है कहते एक नकली भक्त और एक सही भक्त है कि जो नकली भक्त है जगत में वो लोग क्या करते हैं कुछ ऐसे संप्रदाय बंगाल में हम लोग को प्रचार के लिए जाते हैं अरे तुम्हारे आत्मा चाह रहे मछली खाने के लिए खाओ ना खूब मछली खाओ खूब मांस खाओ अंडा खाओ और मांस खाओ कोई बात नहीं शराब पीना तो आत्मा चाह रहे हैं ना शराब पियो ना ये आत्मा को क्यों बाधा दोगे मतलब ऐसे कुछ बात बोल करके उनका बुद्धि ऐसे विकृत करके रखा है कुछ लोग है बोले ये तो आत्मा चाह रहा है उनको पता नहीं आत्मा अलग और है और ये शरीर मन अलग है ये जितने गंदी चीज ये मन चाहता है आत्मा नहीं चाहता है आत्मा तो परमात्मा के अंश है उसका तो धर्म परमात्मा की सेवा करना उसको धर्म गंदी चीज से दूर रहना है गंदी चीज से दूर रह करके ठाकुर को भक्ति करना उसका धर्म लेकिन वो मन को ही आत्मा मान लेते कहते यार ये हमारे तो आत्मा चाह रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं दुष्ट मन चाहता है ये सब चीज को इसलिए ऐसे कुछ लोग है जो कि क्या करते हैं जीव का जो मन के अनुकूल का बात बोल करके हैं अरे जो कुछ खाना खाना खाओ भक्ति भक्ति से सब क्या विचार हैं है? एक बार सोने से पहले एक बार नाम लेकर सो जा हो गया कुछ ऐसे लोग हैं लेकिन इनके लिए कोई बाधा असुविधा नहीं लेकिन वास्तव रूप में जो लोग आत्मा की नित्यवृत्ति की बात बोलते हैं आत्मा भगवान के अंश है उसका धर्म उसकी सेवा ही करना उसकी धर्म है हैं कहते ये जीवन जीवन सर्वध भक्ति कथा बोलते गए जब शुद्ध भक्ति की बात करते हैं ना तभी विपत्ति आता है जगत में फिर जगत में फिर विपत्ति शुद्ध भक्ति की बात बोली जाने जाएंगे वहां पर तो जैसे कली का चार स्थान है ये चार नियमों का पालन करके भगवान की भक्ति करो है कहते पते पते असुविधा ऐसे निरुत्साहित तो करीवार चेष्टा करे उस समय क्या होता है कभी कभी जो शुद्ध भक्ति प्रचार करते हैं, कभी कभी उनका जीवन में विपत्ति आ करके क्या करना चाहते हैं, उनको निरुत्साहित करने के लिए कोशिश करते किंतु जरा भक्ति विपद तो से विपद से, से असुविधा व बा से बाधा आमा प्रभु भक्ति बा प्रभु सेवा प्रवृत्ति परीक्षा करते चे, तो के उत्तर उत्तर सेवा पथे अग्रस रहवार सहायता करते ऐसे छे कहते यहाँ पर कह रहे हैं जब हम शुद्ध भक्ति की बात करते हैं शुद्ध भजन की बात करते हैं अगर उसमें कुछ विपत्ति आता है मतलब क्या है तुमको ऊपर में धीरे 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 ले जाना जाते हैं जैसे क्लास वन फिर क्लास टू क्लास थ्री धीरे 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 परीक्षा तो इसलिए आता है ना क्यों आता है बच्चों को धीरे 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 ऊपर जा, ले जाने के लिए अगर पेपर नहीं होगा परीक्षा नहीं होगा बच्चे पढ़ाई करेंगे पढ़ाई करेंगे अभी कोरोना आ गया कोरोना कर, में ऑनलाइन में सब क्लास बच्चे पढ़ रहे थे पढ़ नहीं रहे थे फिर बच्चों को क्या किया पढ़ाई करे नहीं करे उसको पास कर दिया इसीलिए बच्चे दो साल तो क्या हो गए बुद्धि एकदम ऐसे ही होगी पूरा की पूरा क्योंकि परीक्षा नहीं पढ़ाई नहीं इसलिए बच्चों का पढ.. एकदम बेकार हो गया दो साल तीन साल गया उनको है इसलिए जब भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में हम जब बताने के लिए जाएंगे वहां पर बाधाएं आती है परीक्षा आती है लेकिन वो परीक्षा इसीलिए है धीरे 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 आपको जैसे कुम, कुम्भार होता है ना जैसे लोहे को जो लोहा लोहार होता है आप देखे लोहार को देखे लोहे को आग में देगा जब एकदम तप तो जाएगा लाल हो जाएगा निकालेगा ए हाथोड़ी में मारेगा देखेगी नहीं मार मार कर खाद को निकालेगा फिर उसको किस में देगा पानी में देगा फिर देख दो बार कहा पर देगा फिर फिर आग में देगा जब लाल हो जाएगा फिर निकालेगा पीटेगा पीट पीट के खाद निकालते निकालते ऐसे कर देता है लोहे को एक दिन लोहे लोहे को काट देता है लोहे लोहे को काट देता है क्यों लोहे को क्योंकि वो मार सहा उसने उसको डंडा मारे ना हाथोड़ी मारे ना वो हाथोड़ी मार 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 कर उसको पूरा के पूरा क्या कर दिया ऐसे अस्त्र बनता लोहे लोहे को काट देते हैं उसी तरह जब हम भगवान की भक्ति करेंगे उसमें जो थोड़ी बहुत असुविधा कभी आती है इसका मतलब उसको धीरे धीरे धीरे-धीरे ऊपर धीरे ले, धीरे 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 ले जाने के लिए उसको धीरे-धीरे धीरे-धीरे ऊपर ले जाने के लिए नीचे उतारने के लिए नहीं इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं ऐसी समय नामाचार्य हरिदास ठाकुर भक्तराज प्रहलाद सेवा वो सहिष्णुतर आदर्श ग्रहण करे दृढ़ थकता हवे तब उन्होंने यहाँ उदाहरण दिया है जैसे प्रहलाद महाराज को अग्नि में जलते हुए आग में बैठा दिया प्रहलाद महाराज को पहाड़ को ऊपर से लेकर फेंक दिया प्रहलाद महाराज को सर्प को मुंह के सामने फेंक दिया काल कोठरी में बंद कर दिया हरिदास ठाकुर को ऊपर में बाईस बाजार में उसके ऊपर पिटाई हुई है तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कहते ये सही स्नुतार आदर्श ग्रहण कर दृढ़ चित्त मानुष अनित्य वस्तु लाभ वंचित है अनित्य वस्तु है लाभ के लिए क्या करता है सौ सौ जन्म से वंचित जीव होता है क्योंकि भगवान की भक्ति को छोड़कर अनित्य वस्तु को प्राप्त करना चाहता है वंचित मानुष अनित्य वस्तु सहस्र उदाहरण देखे वो यदि तुच्छ विषय जन बाधा विपदीते जीवन पर्यंत परित्याग करते जन्त ताहले बुद्धिमान जन महाभग्यवान भक्तगण की त्रिकाल सत्य जन भगवान नश्वर जीवन नियुक्त करते ना इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति भगवान को भूल गए कितने जन्म से हम ठाकुर को भूले भूलें हाँ कितने जन्म से फिर चौरासी लाख जनि में हम भ्रमण कर रहे हैं क्यों अनित्य वस्तु के प्रति आसक्त होकर केवल यही प्रभु की भक्ति छोड़ करके अनित्य वस्तु में तब यहाँ पर कहते हैं अगर एक बार जीव अगर शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करे भगवान क्या कहते हैं अर्जुन माम उपतु तू कौन थे न विद्यते अगर जीव मेरे को अगर प्राप्त कर लिया तो संसार में दो बार जन्म नहीं होगा परम आनंद परम शांति के लिए चिरकाल के लिए हम ठाकुर के चरण में जा सकते हैं तब तो प्रभुपात के तो इसके लिए क्या हम थोड़ी बहुत अगर कोई विपत्ति आ जाए सहन नहीं कर सकते हैं संसार दुख कष्ट सहन करना पड़ता है कि नहीं करता कि नहीं संसार में देखो संसार का सबको सेवा करते हैं और सभी का गाली पड़ रहा है है नहीं कहे कि नहीं बहू बेटी सबको सेवा तो करते हैं लेकिन सभी की डंडा पड़ रहा है कि नहीं सब संसार में बताओ किसको डंडा नहीं पड़ते संसार में सबको डंडा पड़ रहा है सबको सेवा करो सबको डंडा खाओ लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए जब जाएंगे भगवान जीव को धीरे 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 ऊपर ले जाने के लिए कभी कभी थोड़ी बहुत जो विपत्ति आती है उसको ग्राह्य नहीं करते हुए प्रभुपाद कहते हैं क्या वो वास्तव वस्तु को पाने के लिए जीवन में थोड़ी बहुत इधर उधर इसको क्या सहन नहीं कर सकते है क्या सहन करनी चाहिए तभी तो भगवान एक दिन अपना चरण में स्थान देंगे देखो हमारे विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं जब जीव ठाकुर को पास में चल जाता है ठाकुर को चरण में प्राप्त कर लिया ठाकुर जिसको याद दिलाते बोले देख बेटा तो ये मत संचय कुछ देख नहीं रहा था मैं सब देख रहा था तेरे पीछे में खड़ा था जीवन में कितने दुख कष्ट बाधा विपत्ति आए लेकिन हर अवस्था में तू मेरा भजन कर रहा मैं तेरे पीछे पीछे था सब चीज को मैं देख रहा था तभी तो एक दिन तू मेरे पास में आए हो इसलिए हमारे बंगला में कहते हैं कृष्ण पाने के लिए कष्ट करेगा तभी कृष्ण मिलेगा कष्ट करने से ही कृष्णा मिलते हैं ठीक है निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरि वृंदावन बिहारी लाल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल గౌరవప్రమాణమే హరి హరి గో